उत्तर प्रदेश का वो बाहुबली नेता जिसके नाम से जनता कांपती है, सलाम ठोकती है। अपराध की दुनिया से राजनीति में आए पूर्वांचल के रॉबिनहुड मुख्तार अंसारी, जो किसी के लिए अपराधी हैं तो किसी के लिए मसीहा। लेकिन राजनीति का ये बाहुबली जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। इतना ही नहीं, इस कठिन डगर में पति का साथ देने वाली उनकी पत्नी आयशा मुख्तार यहाँ भी अंसारी का साथ दे रही हैं। जी हाँ, सुनकर हैरानी ज़रूर होगी, लेकिन ये सच है कि दिल का दौरा पड़ने से आज अचानक दोनों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। दोनों की एक साथ तबीयत बिगड़ने को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आज आयशा अंसारी पति मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल गई थी। इस दौरान दोनों ने जेल में एक साथ चाय पी, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ गया और वो बेहोश होकर गिर पड़े। इसके कुछ देर बाद ही पत्नी आयशा अंसारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो बेसुध हो गईं। दोनों को बांदा अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। जिस तरह से ये घटना घटी, उससे काफी आशंकाएं खड़ी हो रही हैं। मुख्तार के परिवार ने तो आरोप लगाया है कि दोनों को चाय में जहर देकर मारने की कोशिश की गई है, क्योंकि चाय पीने के बाद ही दोनों की तबीयत बिगड़ी। अब अंसारी के परिवार के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी मऊ की सदर विधानसभा सीट पर 1996 से लगातार विधायक हैं। उन पर एक दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। निबिलाइव की रिपोर्ट।